हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस मुकद्दस लुका रसूल की अंजील इसका 21 बाब 15 से 19 आयत मुकद्दसा। और जब वो नाश्ता कर चुके तो यसु ने शमाउन पत्रस से कहा, ए शमाउन बरयूना, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ए खुदामन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरे बरे चरा। उसने दोबारा उससे कहा, ए शमाउन भर यूना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ए खुदामन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरी छोटी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने सहबारा उससे कहा कि ए शमाउन बर यूना, क्या तू मुझे प्यार करता है? तब पतरस दलगीर हुआ इसलिए कि उसने तीसरी बार उससे कहा कि क्या तू मुझे प्यार करता है? और उसने कहा कि ए खुदामन, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। यसु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक तू जवान था तू अपनी कमर बांधता था और जहाँ कहीं चाहता था वहाँ जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तू अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर को बांधेगा और वहां ले जाएगा जहां तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। यसु और पतरस के दरमियान मुकालमा मोहब्बत की कुर्बानी के अंशों को जाहिर करता है। पतरस की मोहब्बत को यसु ने आजमाया जब वो पतरस से पूछता है कि क्या वो उससे प्यार करता है। अपने सवाल में यसु ने लफ्ज अगापे का इस्तेमाल करते हुए पतरस की तरफ से मोहब्बत के जवाब की तवक्को की थी, लेकिन पतरस ने जवाब में एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता है जो दोस्ताना मोहब्बत के रिश्ते को जोड़ता है। आखिर में यसु ने लफ्ज अगापे को खिदमत में तब्दील कर दिया। चूँकि पतरस यसु की मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं कर सकता था, यसु इस उम्मीद को कुर्बान करता है और पतरस की दोस्ताना मोहब्बत को कबूल करता है। अब यसु ने पतरस को अपने गले का चरवाहा मुकर्रर करके अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यहाँ पतरस से तवक्को की जाती है कि वो इस काम के लिए भारी कीमत अदा करने के लिए तैयार होगा। हमारे लिए आज की इस अंजील मुकद्दस को पढ़ने और सुनने के बाद सवाल पैदा होता है कि क्या मैं अपने खुदा और अपने पड़ोसी के लिए अपनी मोहब्बत के इजहार करने के लिए क्या कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ साथ आज हम मुकद्दस चार्ल्स लुवांगा और उसके साथियों का यौम यादगार मनाते हैं। आपका ताल्लुक अफ्रीका के मुल्क युगांडा से है। आपको और आपके साथियों को
3 जून 1886 खेसिन में शहीद किया गया। आपकी शहादत के एक साल के अंदर मुतलाशियों की तादाद जो कि 800 थी बढ़कर 3000 हो गई। पापा आजम पौलुस ششم ने वेटिकन डोम की मजलस के दौरान मुकदसिन का दर्जा करार दिया। आपने युगंडा में बशारती कामों के लिए एक जमात बनाई जिसका नाम सोसाइटी ऑफ मिशनरी ऑफ अफ्रीका है। आप इस जमात के बानी हैं।